हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में तो सारे क्वेरीज थे कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को क्या हुआ है। मैं एक्चुअली अपना एम्प और केवल अपने गिटार और इस मोबाइल फ़ोन को लेकर आइसोलेटेड हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे नहीं बताना है कि मैं आइसोलेटेड क्यों हूँ, अपने होम टाउन आया हुआ। सो मेरे पास इतना ही है, मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसमें ही जितना कर पाऊँ उतना करूँ। एंड ये वीडियो तब शूट हो रहा है, जो लोग आज से 10 साल बाद ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, ये तब शूट हो रहा है जब अर्थ सबसे बुरे समय से गुजर रही थी अपने COVID-19। अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में ये चीज़ सॉल्व हो गई थी कि नहीं हुई थी, या फिर COVID-19 हमेशा हमारे साथ रहा था। आई हैव नो क्लू, आई एम नॉट अ टाइम ट्रैवलर, मैंने भविष्य नहीं देखा हुआ है। सो अगर मैं सर्वाइव कर गया तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया फोटोज़ अपलोड करते हुए। एंड जोक्स अपार्ट, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू हमारा धंधा। और हाँ, इस साल ना थोड़ा सा दबा के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, इस साल 1.25 घंटे करना चालू करो। ठीक है, 15 मिनट और निकालो, बहुत अच्छे गिटारिस्ट बन जाओगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, है ना। सो देखो, ये जो सोलो में शुरू में जो ये बजता है ना, ये चीज़, ये गलत है। इसको हम हाथ से ऐसे नहीं बजाएंगे। सुन कैसे बजाएंगे, इस फिंगर से 4 स्ट्रिंग को बार किया और इस फिंगर से 2 स्ट्रिंग को बार किया। सो इट साउंड्स लाइक, ये यही है, ये 3 नीचे से शोर मचा रही है। कैसा मचा रही है, ऐसा वाला ना। राइट हैंड से मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल डाउन अप डाउन अप। इसी को थोड़ा सा तेज स्पीड में प्ले हुआ शायद। सो इंट्रो ये है और बाकी पीछे रिदम पे शायद ई माइनर कॉर्ड है। ना तो हमसे ये तो फिगर आउट हो गया किसका ये है ना, कि हम लोग इसे बहुत लोग ये बजा रहे थे ना ओवर द टाइम। देखो फिर आते हैं इसके गिटार सोलो पे। तो गिटार सोलो स्टार्ट्स ऑफ विद ये 5th फ्रेट है। हालांकि अब मुझे नहीं पता इस कैमरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं, ये उल्टा घुमा हुआ है। सो मुझे इतना आइडिया नहीं है। सो देखो कवर जाना चाहिए, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, और इसमें हम एक लेगाटो भी बजाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी है और वो बहुत मुश्किल लगती है शुरू में। ठीक हो, वो ऐसी है। ना ईजी है पर ठीक है, हो जाएगा। सो द सोलो स्टार्ट्स ऑफ विथ, स्लो समझाता हूँ। ये 1st फ्रेज है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। 4th स्ट्रिंग पे है 5-7, पाम म्यूट कर रहा हूँ राइट हैंड से। 3rd स्ट्रिंग पे है 4-5, 4th स्ट्रिंग पे 7, 3rd स्ट्रिंग पे 4। सो ओके, ये 2 बार है। इसके बाद 4th स्ट्रिंग 5-7 पाम म्यूटेड है, 5th स्ट्रिंग 7। ठीक है, इतना बजा लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब सेम फ्रेज बजेगा, ये बजेगा आपकी सी। ठीक है, 2nd स्ट्रिंग 5। सो ये भी पाम म्यूटेड है। सो 2 फ्रेज हो गए। थर्ड फ्रेज, थर्ड फ्रेज इज सेम एज फ्रेज 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे आता है वो लिगाटो। वो लिगाटो देखो कैसा है, ये तो आप डेफिनेटली लिख लो। ठीक है, कॉपी पेंसिल निकाल के, पिछला शायद ना लिखाओ, ये डेफिनेटली लिख लो। ये है आपका 4th स्ट्रिंग 4, हैमर 5, हैमर 7। सो मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं हैमर कर रहा हूँ।
ये है हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग पे 3 5 7, सो अगेन फोर्थ स्ट्रिंग पे 4 5 7, थर्ड स्ट्रिंग पे 4 5 7, विच बिकम्स, ये पहला फ्रेज है. सेकंड फ्रेज, सो सेकेंड फ्रेजेस वही 4 5 7 ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग पे 4 5 7, आखिरी में हमारा है थर्ड स्ट्रिंग पे 6 7 9, सो साउंड करना चाहिए. ठीक है, सो इसको आप स्पीड अप कैसे करो, देखो स्पीड की जो टेक्निक है वो ये है, पहले इसको आप स्लो करो, स्लो बीट्स पर रखने की कोशिश करो. ठीक है, इतनी स्पीड पर लाए, धीमे धीमे बढ़ाइए और धीमे 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 अपनी स्पीड आपको इंक्रीज करनी, बट एक बार में स्पीड इंक्रीज नहीं होगी. मे बी ये बहुत एक अच्छा गाना या फिर एक एक्सरसाइज होगी जो आपकी लिगाटो पे स्पीड बढ़ाएगी. सो पूरा एक बार सोलो देखते हैं. आई होप ये लेसन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो, मैंने आपको बोर नहीं किया, मैंने आपको कुछ नया ही दिया हो. अगेन मुझे पता नीचे कमेंट्स आएंगे कि मेरी कोविड की रिजल्ट क्या है. कल रिजल्ट आएगा, मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो भी पोस्ट करूंगा, नेगेटिव हुआ तो भी पोस्ट करूंगा. फिलहाल बहुत अच्छे से खांसी जुकाम फीवर हो रखा है, मेडिसिंस ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ. थैंक यू सो मच मेरा हालचाल पूछने के लिए, अगर आप कमेंट्स पे लिखोगे तो. एंड प्लीज़ इस समय मुझे सपोर्ट करो, मुझे शायद थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दो, मैं कभी दबाने को नहीं बोलता हूँ, बट इस बार थोड़ा सा इमोशनल क्या कहते हैं ब्रेकडाउन, हाँ इमोशनली लो फील कर रहा हूँ, आई डोंट नो. बट जब तक गिटार है आइसोलेशन में, एम्प है, तब तक मेरे ख्याल से कोई मुझे ब्रेक नहीं कर सकता, या फिर कोई हम में से किसी को ब्रेक नहीं कर सकता है. आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, मैंने एम्प बंद कर दिया, बहुत नॉइस हो रहा था, है ना. तो अगर आप में से कोई भी इस चीज़ में फंस जाता है, प्रॉबेबली जिस चीज़ में मैं फंसने वाला हूँ शायद कल, शायद इज़ द की वर्ड, प्लीज़ नोटिस. सो प्लीज़ अपना गिटार लेके घुस जाना है कमरे में, आराम से बहुत चिल टाइम कटेगा, और नेटफ्लिक्स तो हम लोगों के लिए ही बनाया गया है ना. सो अपना बहुत चिल टाइम काटना, अच्छे से प्रैक्टिस करना जितना आज तक सीखा है, और पुराने मेरे वीडियोस खोल के जितने भी मैंने गाने सिखाए हैं उनको करने की पूरी कोशिश करना. नहीं समझ में है मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की. आजकल कुछ करने को नहीं है तो इंस्टाग्राम खोल के सारे मैसेजेस ही देखता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ. और मैं इसलिए हाफ रहा हूँ, शायद लंग्स का कोई मामला है जो कि कल निकल के आने वाला है. आज उसने स्वाब घुसड़ा था बहुत अंदर तक, तो ये पहली बार है जब मेरा कोविड टेस्ट हुआ था. एनीवेज आई होप मज़ा आया हो. मैं कैमरे को बंद करना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन के कैमरे को, एंड मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कैमरा यूज़ करने में, आई डोंट नो कैसा एंगल बना कैसा नहीं बना, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना. ठीक है, टेक केयर, बाय, सी यू.